तो नमस्ते साथियों, स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। तो दोस्त, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट में जो है आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जा करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8.2 के, और 8.2 समझने से पहले हम इसको समझेंगे कि 8.2 में है क्या, और इसमें कैसे निकालना है मान, और इसमें किस तरीके से जो है हमें मान को पुटअप करना है। क्योंकि 8.2 जो है ये मान पर आधारित, यानी कि अगर आपको मान निकालने आएगा, मान याद रहेगा, तभी आप अच्छे से इसको कर पाओगे। अगर मान नहीं याद रहेगा तो इस प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। भाई साहब, बिना हथियार के मार नहीं होगा। जब तक आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होगा तब आप युद्ध में चले जाओगे ना, तो भाई साहब ऐसे भेज देगा लौटा के तुम्हें। तो इसलिए इस टॉपिक में जब तक आपको मान नहीं याद रहेगा, मान निकालने नहीं आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे मान निकालते हैं। देखो, जैसे अब हमें इसमें मान क्या निकालना है, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, ठीक। अब हमें मान किस में निकालना है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। सबसे पहले मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि जीरो से लेकर के फोर तक जो है इसको लिख देंगे, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होगा कि इसको हम फोर से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, फोर से डिवाइड कर देंगे। पहला स्टेप जीरो से फोर लिखेंगे, दूसरा स्टेप फोर से डिवाइड करेंगे, तीसरा स्टेप होगा इसका जो है हम रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रूट। अब इसके बाद जो मान आएगा वो आपका मान है। अब किसी भी नंबर से जीरो में डिवाइड करोगे तो उसका मान जीरो आएगा, और जीरो को रूट में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वन का रूट निकालोगे तो आपका वन आएगा। अब देखो फोर का रूट है तो फोर किसका स्क्वायर होगा, दो का, यानी दो का जोड़ा बनेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको काट दो तो 2 × 2 = 4। अब 1 ऊपर 1 बचा तो 1 का रूट 1 आ जाएगा, और रूट 2 देखो आ गया, क्योंकि रूट 2 कभी अकेले जोड़ा जोड़ा नहीं बनेगा, तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा। अब देखो रूट 3 का रूट तो होता नहीं, तो रूट 3 लिख दिया। 4 का रूट होगा 2, और 4 से 4 कट गया 1, और रूट 1 का मान बताओ आया समझ में, ऐसे निकल गया। अब जब इस तरीके से निकाल ले गए तो यहां हो जाता है साइन, ठीक, क्या जाता है साइन, और यहां पर जो होता है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, थोड़ा सा हम डिस्टेंस कर देते हैं, ये क्या जाएगा 0, 30, 45, 60 और 90 साइन। अब यहां पर जो मान आया था क्या आया था, जीरो से डिवाइड किया था तो जीरो आया था, 1/2 आया था क्योंकि 1/2 इसको आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1, इसका मान आ गया था 1/√2, इसका मान हो जाएगा √3/2, इसका मान हो जाएगा बताओ। अब देखो ऐसे मान निकाल लेंगे। अब देखो कॉस निकालना है तो इसी को भैया इधर कर दो, जैसे 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, और 1/2 है, और 0। टैन निकालना है तो देखो जब टैन निकालते हैं तो साइन बटे कॉस करते हैं, क्या करते हैं, साइन बटे कॉस होता है टैन, तो सभी के बटे कर देंगे। अब 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे 0 से तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 0, और 2 से देखो दूसरा और चौथा कट जाता है तो बचेगा क्या,
रूट थ्री। अब देखो वन बाय रूट टू ये भी है, वन बाय रूट टू ये भी है, पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा वन, दो से दो कट गया, कितना बचा। यहां समझने वाले पॉइंट है कि जब किसी भी नंबर से आप जीरो को डिवाइड कर रहे हैं जीरो में तो जीरो आता, लेकिन जब आप किसी भी नंबर से यानी किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका मान आता है इनफाइनाइट। क्या आता है इनफाइनाइट, आया समझ में। अब देखो टेन का मान आ गया, अब टेन का उल्टा कॉट होता है, होता है कि नहीं, तो अब देखो इसी को पलट दो तो जाएगा ठीक। अब हमें निकालना है क्या sec, क्या निकालना है sec, अब sec इसका उल्टा होता है cos का, तो इसको देखो कैसे पलट देंगे, वन बाई देखो अब यहां पर ध्यान से देखो वन बाई वन क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, टू बाई रूट थ्री रूट टू इंटू टू, और ये हो जाएगा ध्यान से देखो अब वो जीरो बाई वन तो वन बाई जीरो हो जाएगा भाई, जीरो बाई वन मान लेते हैं तो वन बाई क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो उसका मान क्या आएगा इनफाइनाइट। अब जब सेक आ गया तो इसी को ऐसे पलट देंगे, इसी को क्या करेंगे ऐसे पलट दो भैया, रूट टू रूट टू टू बाई रूट थ्री ठीक, और ये हो जाएगा वन। अब आप अपने सारणी में आपको वीडियो में दिख रहा होगा उस सारणी से आप मैच करोगे तो सेम आपको यही मिलेगा, और इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है ऐसे आप करेंगे उसके बाद निकल जाएगा। अब रही बात कि इसको मान कैसे समझेंगे कि ये किसका मान है ठीक, मान समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा कि जो जीरो अंश, जैसे अगर हम साइन जीरो का मान पूछें आपको मान देखने आना चाहिए भैया, बिना देखे कुछ नहीं होता है, और देखते भी रहोगे कुछ नहीं होने वाला जब तक जानोगे नहीं। साइन जीरो का मान क्या होगा तो आप कहोगे सर जीरो, साइन तीस का वन बाय टू, साइन पैंतालीस का वन बाय रूट टू, साइन साठ का रूट थ्री बाय टू, साइन नब्बे का, ऐसे आप सभी का मान निकालोगे, कॉस जीरो कॉस नाइन ऐसे पूरा निकाल ले जाओगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मान निकालने वाला। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, तो आज के लिए इतना ही, और कल ये मान याद रखोगे तो हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय थैंक्स।